हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोगों को एक और न्यूज़ के लिए कैलिब्रेशन सिखाने जा रहा हूँ, जिसका मॉडल है A20। ये एरो का स्केल है और मेड इन चाइना का है। ये प्राइस भी इसकी नॉर्मल ही है और क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है। तो इसकी आज मैं आपको कैलिब्रेशन सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये इसकी पावर की केबल है। ये वाला इसमें जैक लगता है, ये डायरेक्ट 220 से ये चार्ज हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है। ये आप देखेंगे, जैसे ही मैं यहाँ से ऑन करूँगा, ये नीचे रीडिंग आने के बाद ये रीडिंग चल रही है। और इसका जो कनेक्टर है, ये इसका लोड सेल का कनेक्टर है। तो सबसे पहले हम इसके साथ लोड सेल अटैच करेंगे और उसके बाद इसकी कैलिब्रेशन सीखेंगे। ये मेरे पास इस टाइम सारे कनेक्टर बने हुए हैं। इसका जो कनेक्टर है ये इसमें अटैच होगा, तो ये मैं सबसे पहले इसमें अटैच कर लेता हूँ। जी फ्रेंड, लोड सेल का कनेक्टर मैंने इसमें अटैच कर दिया, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको इंडिकेटर को जैसे ही मैं ऑन करूँगा, तो आप ये देखेंगे ये सारी रीडिंग चलने के बाद ये 0-0 हो गया है, ये 0-0 हो गया है। इस टाइम ये 1 ग्राम के ऊपर चल रहा है। तो इसकी मैं सबसे पहले इसकी कैलिब्रेशन करूँगा। जब इंडिकेटर ऑन हो जाएगा और ये सेंस कर रहा होगा, तो हमने इसका पासवर्ड टाइप करना है। इसका पासवर्ड है 3658 tier 1 tier। तो यहाँ पे कॉल 2 शो हो जाएगा। जब कॉल 2 शो होगा, तो हमने डेड वेट को प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देना है। फ़र्ज़ करें इस टाइम हमारे पास 3 kg का डेड वेट है, वो हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया। उसके बाद हम टियर के बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर कॉल 3 शो होगा। तो यहाँ पर हमने डेड वेट की वैल्यू लिखेंगे। फ़र्ज़ करें इसकी वैल्यू 3 kg थी, तो 3 लिखेंगे, उसके बाद 3 इसके डेसिमल लिख देंगे। 3 kg इसका डेड वेट है और 3 इसके डेसिमल पॉइंट हमने लिख दिए हैं। उसके बाद हमने टियर के बटन को प्रेस करेंगे, तो कॉल 4 शो होगा। कॉल 4 जो है इसकी टोटल कैपेसिटी है। यहाँ पर हमने टोटल कैपेसिटी लिखनी है, तो टोटल कैपेसिटी फ़र्ज़ करें हम इसकी 30 kg लिख देते हैं। 30 kg लिख दी, 30 के बाद 3 हमने डेसिमल पॉइंट इसके लिख दिए हैं। उसके बाद हम फिर टियर के बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे 5 आ गया है। 5 जो है इसका डेसिमल पॉइंट है, क्योंकि हमने 3 रखा हुआ है, यहाँ पर हमने 3 ही रहने देंगे। अगर दोबारा 3 लिखेंगे तो 3 आ गए हैं इसके बाद। इसके बाद हमने दोबारा टियर के बटन को प्रेस करेंगे, 6 आ गया है। 6 इसकी डिवीज़न है। इसकी डिवीज़न अगर हम चलाना चाहते हैं मिनिमम 1 ग्राम या 2 ग्राम या 5 ग्राम या 10 ग्राम, जो भी हमने लिखना चाहते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम दोबारा टियर के बटन को प्रेस करेंगे, तो आप ये देखेंगे इसकी कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गई है। तो ये 3 kg ये पूरा इस टाइम लिखा हुआ आ गया। अगर मैं इसको नीचे हटाता भी हूँ और ये दोबारा भी रखता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं ये कितना स्टेबल इंडिकेटर है। और नीचे जो है ये यूनिट प्राइस है और ये इसकी टोटल प्राइस है। अगर हमने जो भी इसकी यूनिट प्राइस लिखेंगे कि अगर फ़र्ज़ करें 20 इसकी यूनिट प्राइस है, तो उस हिसाब से ये मल्टीप्लाई करके ये 60 इसकी टोटल प्राइस ये बता रहा है हमें। जो भी हम प्राइस इसकी हम चेंज करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पर लिखेंगे और ये हमें उसकी टोटल प्राइस हमें ये बता देगा। तो ये प्राइस काउंटिंग स्केल भी है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें डायरेक्ट 220 से ये चार्ज होता है। आमतौर पर जो चार्जर वगैरह होते हैं जिसमें, तो वो चार्जर आमतौर पर ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये जो 220 वाले डायरेक्ट इंडिकेटर होते हैं वो ज़्यादा ठीक रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अपनी राय का इस सारी वीडियो को लाइक करके दीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी फ्रेंड, अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और विंग स्केल की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या अगर आप लोग विंग स्केल की प्रोडक्ट सबसे बेस्ट प्राइस में परचेज करना चाहते हैं, या अगर आप लोग विंग स्केल का बिजनेस करते हैं और विंग स्केल की कैलिब्रेशन और उनकी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, या अगर आप विंग स्केल इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर हो और विंग स्केल की पब्लिसिटी करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन के ऊपर फौरन क्लिक करें, ताकि विंग स्केल की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके आपको सबसे पहले। उसके अलावा अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हमें भी पता लगे कि आप लोगों को उससे फायदा भी हो रहा है या नहीं।